नमस्कार, मेरे जी जवान, आप देख रहे हैं D24/7 लाइव टीवी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो रहा है। इमरान खान की सरकार जा रही है, जा नहीं रही बल्कि चली गई है, और नए पीएम आ चुके हैं जिनका नाम है शहबाज। ये वही है साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, कि आते ही इन्होंने कश्मीर पर बड़ा धमाका कर दिया, कश्मीर का राग अलाप दिया। आखिर में जो भी नया प्रधानमंत्री बनता है वो कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है, क्यों उसे कश्मीर का राग अलापना पड़ता है? क्या पाकिस्तान की राजनीति में बने रहने के लिए कश्मीर मुद्दा उठाना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दा उठाकर, कश्मीर को सुलझाकर, कश्मीर तो कब का सुलझ चुका है साहब, 73 खत्म होने के बाद कश्मीर का मुद्दा सुलझ चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान है वो जानता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को ही लेकर वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम कर सकता है। आपको ये बता दें, उन्होंने आते ही सबसे पहले पाकिस्तानी सेना से दुश्मनी मोल ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना मोटे बजट बनाकर मोटा पैसा पाकिस्तान से वसूलती है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेकर। आपको बता दें, अगर पाकिस्तान में रहना है तो सेना के नीचे काम करना है, ये बात शायद शहबाज भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपसे अनुरोध करते हैं कि इस स्पेशल रिपोर्ट को देखिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए रिपोर्ट। खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान सत्ता से दूर जा रहे हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। इमरान खान प्रधानमंत्री के पद से हट गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और PMLN के नेता शहबाज शरीफ के हाथों में अब मुल्क की कमान होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि शहबाज शरीफ के PM बनने के बाद भारत के हितों पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा लगता नहीं है कि भारत के लिहाज से उनके कार्यकाल में कुछ अलग होगा। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद का नामांकन भरते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बात कही और कश्मीर के बारे में भी पुराना राग छेड़ दिया। उन्होंने भारत के साथ बातचीत के मुद्दे पर कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा पहले सुलझाना होगा। पाकिस्तान में सेना के डर से हर राजनीतिक दल की मजबूरी है कि वह कश्मीर मुद्दे को हमेशा उठाते रहें। पाकिस्तानी सेना भी इस मुद्दे के दम पर अपने गरीब मुल्क के बजट में भारी भरकम पैसा ऐंठती है। शहबाज शरीफ के लिए चुनौती ये है कि उन्हें सेना के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी और बड़े भाई नवाज शरीफ के रिश्ते सेना के साथ बेहद कड़वाहट से भरे रहे हैं। शहबाज शरीफ राजनीति में नए नहीं हैं, उन्हें पता है कि सरकारें कैसे चलती हैं, उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। लेकिन पाकिस्तान में किसी के पास कितना भी राजनीतिक अनुभव क्यों ना हो, वो अपनी गद्दी को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं कह सकता है। कैसा रहा शहबाज शरीफ का राजनीतिक करियर, आइए एक नज़र डालते हैं। 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं और पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के छोटे भाई भी हैं। वो 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य और विपक्ष के नेता भी हैं। शहबाज शरीफ 2018 चुनाव में PM पद के उम्मीदवार भी थे। 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखने वाले शरीफ ने 1988 में पहला चुनाव जीता था। 1997 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2008 और 2013 में भी वे पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उनके भाई नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें PMLN का अध्यक्ष बनाया गया था।